पुलिस ने रविवार देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा तस्करी के मामले में 30 किलो डोडा चूरा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक कार भी पुलिस ने जब्त की है। उक्त मामले में CSP राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थ परिवहन करने वालों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जीरन थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में टीम द्वारा 19 दिसंबर को वाहन चेकिंग के दौरान रायनखेड़ा फंटा जीरन प्रतापगढ़ आम रोड पर चेकिंग करते हुए आरोपी राम विलास व गोरी लाल के संयुक्त कब्जे वाली कार अल्टो K10 क्रमांक RJ27CH1951 में रखे दो बैगों में भरे 30 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा कीमत 60,000 रुपए, एक कार अल्टो K10 कीमत 45 लाख रुपए एवं दो मोबाइल कीमत 1200 को जब्त किया गया। प्रकरण में आरोपी राम विलास व गोरी लाल को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पृथक से अपराध पंजीबद्ध कर डोडा चूरा के स्रोत के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक रामपाल सिंह राठौर, प्रधान आरक्षक 161 प्रदीप शर्मा, प्रधान आरक्षक 60 प्रणव तिवारी, आरक्षक 82 अमित भावसार, आरक्षक 246 राम पाटीदार, आरक्षक 11 श्रीपाल सिंह, प्रधान आरक्षक चालक मनोहर बैरागी व सैनिक बलवंत सिंह का सराहनीय योगदान रहा। पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल एक टिप मिला था, एक पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी, तो TI योगेंद्र सिसोदिया और उनकी टीम ने रायनखेड़ा फंडे के पास एक अल्टो कार में दो बैग में रखा हुआ 30 किलो करीब डोडा चूरा बरामद किया है, जिसमें एक राधेश्याम जाट, राम नारायण जाट और एक अन्य आरोपी सूबी का है, उसको पकड़ा गया है। अभी उनको आज रिमांड लेके पूछताछ की जाएगी कि वो डोडा चूरा कहाँ से लाए थे और किसको देने जा रहे थे।